नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 1975 में बॉलीवुड फिल्म शोले रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ तक कि इस फिल्म के डायलॉग आज भी बच्चे बच्चे को जुबानी याद है। इस फिल्म के हर किरदार ने पर्दे पर अपने शानदार अभिनय से कुछ यूं समा बांधा था कि फिल्म के रिलीज के दशकों बाद भी दर्शक इसको दिलों दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। शोले की बात होते ही सबसे पहले दर्शकों के दिमाग में इस फिल्म का डायलॉग कितने आदमी थे आता है। शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभा अमजद खान पर्दे पर अमर हो गए। आज भी बॉलीवुड के खूंखार खलनायकों का जिक्र होते ही सबसे पहले उनका नाम आता है। अभिनय की दुनिया में अतुलनीय मुकाम हासिल करने के बावजूद अमजद खान को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा था। अमजद खान के बेटे और एक्टर शादाब खान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उनके पिता के पास अस्पताल के बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अमजद खान ने बेटे के जन्म के कई दिनों बाद तक भी उसकी शक्ल नहीं देखी थी। दरअसल एक्टर की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी और बेटे को जन्म देने के बाद वो कई दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रहीं, लेकिन एक्टर उन्हें लेने नहीं पहुंचे। एक्टर के पास बिल चुकाकर पत्नी को छुड़ाने तक के पैसे नहीं थे और इसी वजह से वो शर्म से अपनी पत्नी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, और इसी कारण उन्होंने बेटे की शक्ल भी न देखने का फैसला किया था। एक्टर की इस बुरी हालत के बारे में जैसे ही उनकी फिल्म हिंदुस्तान की कसम के डायरेक्टर चेतन आनंद को पता चला तो वो तुरंत अमजद खान की मदद के लिए पहुंच गए। चेतन आनंद ने अमजद खान को पत्नी को अस्पताल से छुड़ाने के लिए 400 रुपए दिए, जिसके बाद जाकर उन्होंने अपने बेटे की शक्ल देखी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन एक्टर की पत्नी और उनका बेटा अस्पताल से घर गया, उसी दिन एक्टर ने शोले साइन की थी और इस फिल्म से वो रातों रात बड़े पर्दे पर छा गए थे। शोले के अलावा अमजद खान ने गंगा की सौगंध, नटवर लाल, नसीब, रामगढ़ के शोले जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर बीमारी से जूझ रहे एक्टर को बढ़े हुए वजन के चलते इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया और वो गरीबी से जूझते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।